अच्छा, आप लोग मुझे आज काफ़ी समय बाद देख रहे होंगे। उसका रीज़न ये है कि हम ब्लॉग काफ़ी समय बाद अपलोड कर रहे होंगे, तो इसीलिए आप मुझे काफ़ी समय बाद देख रहे हैं। तो आज है 24 मई, एंड सीन क्या है, आज हम जा रहे हैं सूरज के गांव लमगढ़ा कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि जो सूरज के गाँव वाला एरिया है लमगढ़ा, उसके आसपास जो जगह हैं, चीज़ें हैं, उनको एक्सप्लोर करने वाले हैं, आपको गाँव की लाइफ दिखाने वाले हैं, ऐसा कुछ सीन है। और हम जाने वाले गाड़ी में होप और फोटो को लेकर, सूरज हमारे साथ है, और आपको दिखाते हैं एक बार जो हमने सामान डाला है इसमें। हमने एक्चुअली ना बहुत सारा सामान डाला है, टेंट डाला है, कंबल डाला है, एक मैट्रेस डाली है, और बहुत सारा सामान लोड कर रखा है, सही बताऊँ तो बैग ही बैग हो रखे हैं। क्योंकि हमारा प्लान क्या है कि हम सूरज के गाँव जाएंगे और मे बी उसके बाद 1-2 दिन हम कैंपिंग करें, या फिर ऐसा कुछ प्लान एक्सटेंड हो सकता है बेसिकली। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर के हालात। रुको, तो ये हमारी होपू, खैर होपू तो वाली सीट में आ जाएगी, ये हमारा भोटू, और इधर सूरज आपको नज़र आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, तब तक भोटू लोगों को ऐसे ही घूमने देते हैं, होप को, सॉरी भोटू तो ये है। अच्छा सूरज, एक मिनट, हमारी ऑडियंस जो है उनको बताइए कि हम गांव में क्या क्या करने वाले, क्या क्या देखने वाले हैं बेसिकली। गांव में बहुत सी जगह हैं घूमने की, मंदिर वगैरह, जैसे कि डूलासम, जागेश्वर, ओके, और भी बहुत कुछ है, तो वहीं जाके पता चलेगा, वो वहीं जाके सरप्राइज। हाँ, मतलब हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप बिना देरी किए चलते हैं, और हाँ लेट्स गो, चलो चलो होप बोटू बैठो, चलो होप आ जाओ, जाओ होप अपनी सीट में चल जाओ बच्चे, गुड वेरी गुड। और ये हम चल पड़े, चला जाए फिर, मौसम हो रहा है ख़राब। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया मेन बात, कि भाई मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वैसे तो हमें उम्मीद थी कि क्या बोलते हैं सनराइज होगा बढ़िया सा, सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे, 5:30 या 6:45 पे निकल जाएंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया और मौसम ख़राब पे ही फिलहाल तो हम निकल रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, अब चलना तो पड़ेगा। ओ गाड़ी भी हो चुकी है भारी भारी, ये दूसरा गियर मांग रही है तीसरे की जगह। गाड़ी में बहुत ज़्यादा सामान है सीरियसली, चलो चलते हैं, अब से मिलते हैं थोड़ा आगे, आगे नज़ारे रिकॉर्ड करके बढ़िया से। अभी हम रूम से थोड़ा ही आगे निकले थे कि भोटू को आ गई थी पॉटी, और भोटू को पॉटी कराने के लिए बाहर निकालना पड़ा क्योंकि आवाज़ कर रहा था अभी तरह तरह की। वो होप तो प्यार से बैठी, होप देख रही है जरा भोटू को, समझाया करो उसे जरा, ये आ गया भोटू, चलो भैया चलते हैं, पॉटी भी टॉयलेट भी दोनों, चल अच्छा इधर कहाँ जा रहा। अच्छा हम थोड़े ही आगे आए थे, हम थोड़ा आगे क्या मतलब, जैसे ही हम चाफी से पहले पहुँचे विनायक की तरफ कुटानी से ऊपर, तो बारिश ही बारिश हो रही है, क्या कहा जाए, मतलब ये समझ लो कि आज हम बारिश में गाड़ी चलाते हुए जाएंगे लमगढ़ा की तरफ, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज बारिश होगी। मैं तो कहाँ सोच के बैठा था बढ़िया सा सनराइज़ वगैरह होगा, ओहो क्या बढ़िया सा शॉट लेते हुए जाएंगे ऐसा वैसा, पर बारिश हो चुकी है। खैर बारिश का भी अपना अलग आनंद है, एंड मौसम सुहावना हो रहा है, सुहावना ही मौसम कहते हैं फिर इसे, ऐसा कुछ सीन है। एंड फिलहाल तो चलते जाते हैं, और कोई ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, मौसम का आनंद लेते हुए, रास्ते का आनंद लेते हुए। अच्छा होप की जो खिड़की है वो हमने बंद कर दी है, वो क्यों, क्योंकि वहाँ से हमने जो नीचे सीट पे लैपटॉप रखा है, लैपटॉप वाला बैग, वहाँ पे पानी आ रहा है। होप कह रही भाई तुम लोगों ने कर क्या रहे हो, मतलब सीट ईट मतलब वो कर दी है, मतलब सॉरी खिड़की बंद कर दी है। होप को कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि बारिश से हमारी चीज़ों का नुकसान हो सकता है, होप तो आप बैठे रहो। तो वो कहते हैं ना कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, हम जैसे ही कुछ दूर निकले बारिश स्टार्ट हो गई, पर सच बताऊं तो सफ़र का एक अलग ही आनंद था। होप की खिड़की खुली थी, भोटू वाली खिड़की खुली थी, वो खिड़की से बाहर देख रही थी, भोटू भी बाहर देख रहा था, बारिश हो रही थी, मतलब उस सफ़र का ना एक अलग ही आनंद था। अच्छा तो अभी हम पहुंच चुके हैं धानाचुली, और सही बताऊं तो रास्ते में आते टाइम ना जब हम धानाचुली की ओर आ रहे थे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, मैं इसलिए रुक गया गाड़ी, मैंने इसलिए रुकी ताकि मैं आप लोगों को एक देख कह रहा हूँ, एक चीज़ दिखा सकूँ, जो कि है सेब के पेड़। आप लोगों को मैं सेब दिखाता हूँ, देखो यार, मतलब मैं पर्सनली देख के ना ये सेब बहुत खुश हो गया था, सही बताऊँ तो आप लोगों को मैं कैसे दिखाऊँ। फिलहाल तो छोटे छोटे सेब हमें इधर देखने को मिलेंगे, ये देखो ये है सेब आपका, और थोड़ा मैं गोप्रो ऊपर करके आपको दिखाता हूँ सेब, रुको ये देखो आप लोग जितनी चीज़ें देख रहे हैं ये सारे सेब हैं, ये अच्छा धानाचुली की ना बात ही अलग है, आप लोग नज़ारे देख रहे हो कितने बढ़िया से हैं, और इधर सेब ही सेब के पेड़ है। तो धानाचुली जब आप आते हो ना रास्ते में तो आपको सेब के ही पेड़ देखने को मिलेंगे बहुत सारे, देखो क्या बढ़िया सेब है, हालांकि अभी ये छोटे हैं तो इन्हें खा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी ये थोड़े मेरे ख्याल से कड़वे टाइप के होंगे,
पर जब ये पकेंगे ना तो हम रास्ते में चोर ने जरूर आएंगे इन पेड़ में से जो सेम है उनको। मौसम देखो आप कैसे बादल ही बादल लग रहे हैं। ये होप को देखो कैसे देख रही है। होपो क्या कर रही है? उधर देखो फोटू बैठा है। चलें फिर। अच्छा वैसे तो मैं सोच रहा था ये सेब कड़वे होंगे, पर हमने सोचा था तोड़ेंगे नहीं, पर जब मैं गाड़ी में बैठा तो सूरज ने कहा अमित सेब खा रहे हो, मैंने कहा तूने तोड़ ही लिया मतलब। और ये सही बताऊँ तो सेब अभी बहुत खट्टे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खट्टे, पर खाने में फिर भी मज़ा आ रहा है। बढ़िया। अपने सफ़र में जब हम आगे बढ़े थे ना उस रोड पे, तो एक ऐसा नज़ारा था जिसको रिकॉर्ड करने से मैं रोक नहीं पाया, और वो भी ड्रोन की हेल्प से। तो सही बताऊँ तो ड्रोन जब हमने फ्लाई किया और वो नज़ारा देखा ना, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी देखना चाहोगे वो नज़ारा? तो ये देखो। पहाड़ पानी से थोड़ा नीचे आ चुके हैं, और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हो, उधर ऐसा लग रहा है जैसे मानसून बड़ी जल्दी आ गया हो। तो अभी पीछे बादल ही बादल हैं, कोहरा ही कोहरा है नीचे की तरफ। जो वैली वाला एरिया है वो देखिए सामने, बादल ही बादल वैली वाले एरिया में, ऐसे कोहरा ही कोहरा है नीचे की तरफ से आ रहा है ऐसे ऊपर की ओर। इधर एक आड़ू का पेड़ भी है, मैं आपको आड़ू भी दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, ये देखो आड़ू भी लगे हैं भाई इसमें। हालांकि ये अभी जो ओनर है उधर की तरफ से देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसे खा नहीं सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको खाली दिखा देते हैं। होपू गाड़ी में होप। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ना, सोचती है कि यार मैं भी गाड़ी से बाहर आ जाऊँ, पर आप लोग यार नज़ारा देखो, अद्भुत, मज़ा आ गया। अच्छा अभी तक आप लोग आगे के हालात तो देख रहे थे बार बार, पर अब पीछे के हालात दिखाते हैं आपको। ये है होपू, होपू को नींद आ रही है, थक गई है। और ये है भोटू, भोटू क्या हो गया बेटा? भोटू भी थक गया है। और सूरज, तब से सूरज ने बहुत सारे शॉट लिए हैं। आप लोग जो शॉट देख रहे होंगे गोप्रो के पीछे से, वो सूरज ही ले रहा है। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों शॉट तो कमेंट जरूर कीजिएगा सूरज के लिए कि सूरज शॉट्स बहुत अच्छे थे, ऐसे करके हैशटैग डाल दीजिएगा आप लोग अगर अच्छे लगे हों तो। और भोटू क्या हो बेटा, सब ठीक है? भोटू को एक्चुअली रास्ते में जो भी डॉग दिख रहा है ना, भोटू उसके ऊपर भौंकने लग जा रहा है, बिल्कुल मतलब खिड़की से निकल जा रहा है भोटू, मतलब चौड़ में एकदम कि हाँ भाई कौन है अचानक से भोटू, अभी से इतना चौड़ में देख रहे हो बच्चा। भोटू बोला पील दूंगा। चला जाए फिर भोटू, होप चले। अच्छा ट्रैवल करते टाइम ना एक दिक्कत है डॉग्स के साथ, उनको उल्टी भी हो जाती है। तो अभी होप और भोटू को हमने बांध दिया है यहाँ पे पोस्ट। होप इधर, होप इधर 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 रोड पे नहीं,
और देखो ये देखो भोटू ने कर दी है यहाँ पे पॉटी, अब हमें करना सॉरी पॉटी कह रहा हूँ उल्टी कर दी है जिसे साफ करना पड़ेगा। सूरज के बगल में एकदम से कर दी तो बहुत ज़्यादा स्मेल आई, तो हमने पहले इसमें रूम फ्रेशनर थोड़ा सा वो स्प्रे किया, उसके बाद अभी समय है साफ़ करने का उल्टी। और किस्मत से हमारे पास इधर कपड़ा है और यहीं पे नल भी है देखो ये सामने, तो हमारे लिए ईजी रहेगा इसे साफ़ करना, मतलब ईजी तो नहीं रहेगा पर फिर भी साफ़ करना पड़ेगा। बोटू ओपू तुम लोग थोड़ी देर चिल करो बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग को दिक्कत हो रही ना, कोई नहीं उल्टी साफ कर रहे हैं, बारिश भी आ चुकी है भाई देख रहे हो। ओपू बोटू अब तुम लोग थोड़ी देर बारिश में भीगो भाई, क्या करें ऐसा ही क्यों पॉटी करोगे मतलब सॉरी उल्टी करोगे गाड़ी में तो। अबे छी यार ये तो बहुत गंदी है भाई, क्या साफ होगी। अच्छा अभी हम क्या है ना एक रेस्टोरेंट में रुके हैं इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए, और होप और भोटू की उल्टी ना सॉरी भोटू की उल्टी साफ़ करने के बाद अभी हमने बोल रखा है यहाँ पे 2-3 पराठे आलू के और 2 चाय। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था, अचानक से मेरे को एक चीज़ दिख गई, ये देखो आपको पहाड़ी में ना जो पहाड़ के स्टाइल के घर होते हैं, ये देखो कितना सही लग रहा है ना। हाँ कैमरा लाना चाहिए था ना और फ़ोटो खींचनी चाहिए थी जो अभी वहाँ उसके बाहर आ रही थी ऐसे खिड़की से। आप देख रहे हो क्या क्लासिक लग रहा है ये घर, इस बिल्डिंग में और उसमें अंतर है वो बड़ा क्लासिक है सही बताऊँ तो। देखो कितना बढ़िया लग रहा है वो, आह क्या नज़ारा है। चलो आपको ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं। फिलहाल अभी हो रही है बारिश, कंटिन्यू हो रही है बारिश तब से जब से हम भोटू की उल्टी साफ़ कर रहे थे, और क्या कह सकता हूँ मैं। और अच्छा हाँ पेड़ में आड़ू भी लगे हैं यार, क्या बढ़िया लाल लाल हो चुके हैं अभी वो। सही बताऊँ पेट में ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई यार, इंतज़ार कर रहा हूँ कब वहाँ से भैया आएँ और पराठे लाएँ और एक गर्म सा क्या बोलते हैं जो चाय का कप है ना एक गिलास वो लाएँ बढ़िया, और हम कब खाना खाएँ और आगे बढ़ जाएँ ऐसा होना चाहिए। अभी तो हम वहाँ पर पहुँच गए, इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद तो अभी हमने कर लिया ब्रेकफास्ट और होप और भोटू भी आनंद ले रहे थे गाड़ी में, तो अभी हम एक काम करते हैं अपने लक्ष्य की ओर जो कि है हमारा सूरज का गांव, उसकी तरफ चलते हैं। लेट्स गो, चलें होप फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, चलो भाई चल लें। अच्छा तो ये है देखो भाई गांव के काफल, हमारे यहाँ तो आधे साइज़ के मिलते हैं इससे, मैं एक काफल और ले रहा हूँ, मैं उसे 2-3 काफल ले चुका हूँ पर एक काफल और ले रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। देख रहा हूँ कितना बड़ा काफल, हमारी साइड को इसका आधा होता है। अब सूरज का कहना है कि भाई ये सूख जाते हैं थोड़े ताजे हैं इसलिए इतने बड़े हैं ये, पर मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा, मैंने तो पेड़ से तोड़ कर खाए हैं वैसे। अच्छा तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं सूरज के गांव, और सीन क्या है कि सूरज के गांव का रास्ता जाता है पैदल पैदल 1 किलोमीटर के अराउंड 1.5 किलोमीटर के अराउंड, और हमें गाड़ी लगाने की जगह ढूंढनी पड़ी क्योंकि गाड़ी में बहुत सा सामान ऐसा है जो हम नीचे नहीं ले जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड नहीं है सही बताऊँ तो। और ये है हमारे सूरज भाई के भाई जो कि शर्मा रहे हैं। अरे ये वो इसका नाम क्या है, तेरे भाई का नाम क्या है? पवन। पवन, अरे पवन शर्मा की रहा भाई, पवन जी है ये हमारे। तो पवन क्या हाल चाल हो रहे हैं भाई, तुम कौन सी क्लास में हो? उसे छुट्टी इतनी जल्दी हो गई, सही है यार ब्रो। अच्छा अभी सीन क्या है ना गांव में, हम जैसे ही सूरज के थोड़ा गांव से ऊपर आए तो अभी हमें छोटे छोटे बच्चे मिल गए, उनकी स्कूल की छुट्टी हो रही है, सब होप और फोटो देखने में लगे। वो देखो बाहर भीड़ देखो, वाह कौन कौन आ गए बच्चे से पूछ रहता है। चले फिर। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं सूरज के घर, पहले हमें ऐसा आइडिया नहीं था कि वहाँ तक रोड जाती है, पर एक्चुअली वहाँ तक कच्ची रोड जाती है,
तो सूरज का छोटा भाई बैठा है पवन हमारे साथ, पवन भी जा रहे हैं हमारे साथ, पवन की छुट्टी हो गई स्कूल से, और देखते हैं रोड कहाँ तक जाती है, जहाँ तक जगह होगी वहाँ पे खड़ी कर देंगे गाड़ी, और कोई ऑप्शन है नहीं फिलहाल। तो मुझे लगता है वो रास्ता कच्चा रास्ता है जहाँ पे भी हम गाड़ी खड़ी करने वाले हैं। बहुत ही गंदा रास्ता है, आगे देखो आप लोग, रास्ते देखो कैसा कच्चा है, चल सूर्य आ जाओ, नहीं नहीं चलो। बहुत ही ज़्यादा कच्चा रास्ता है, और पवन ने हमसे बोल दिया झूठ की गाड़ी जाती है इधर, क्योंकि इसको पैदल जाना अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखो भाई पहली रास्ता देख लो, यहाँ से तो सही है, जहाँ वहाँ से आए उससे सही है। अरे खड़ी करने की जगह है ना। हाँ हाँ वहाँ बहुत जगह है, गाँव में ऐसे ही रास्ता होता है भाई, पूरी कच्ची रोड है गाँव की, ये भी आजकल बनी है, जब मैं घर था तब नहीं बनी थी, मैं दीवनाथल में जब था नहीं मतलब सॉरी घर था तब, ये कैसा हो रहा है ये। तो अभी हमने खड़ी कर दी है गाड़ी यहीं पे फिलहाल तो, और हमने साइड करके खड़ी करी है, और जब हमें गाड़ी का काम होगा पीछे हम थोड़ा पीछे रिवर्स लेंगे, यहाँ से करीब 50 मीटर पे जो आपको पीछे की तरफ जगह दिख रही है, और वहाँ से रिवर्स हो जाएगी गाड़ी, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलते हैं फिर सीधे गांव की तरफ, चले पवन कुछ पकड़ना तो नहीं, ठीक है चलो फिर। यहाँ पे पत्थर है, यहाँ से गाड़ी वहाँ ले जाते थे। हाँ ये पत्थर, ये आप लोग पत्थर देख रहे हो, ये सब ऊपर से आ रखे हैं मलबा, इसीलिए हम गाड़ी आगे नहीं लाए, तभी हमने गाड़ी वहाँ खड़ी करी है, और ऐसा कुछ सीन। ये देखो भोटू और होप को देखो, क्या आनंद, बढ़िया मजे से चल रहे हैं दोनों, होप तो आगे लीड कर रही है रास्ता, भोटू उसके पीछे, एंड सो ऑन। ये आ गए हमारे मनोज भाई, जो कि बहुत फेमस है, बहुत फेमस इंस्टाग्रामर है मनोज जी हमारे, क्या हाल है मनोज, और बहुत ज़्यादा ऊँचे लंबे बड़े सक्सेसफुल हो जाना, गुड। गाड़ी रोड पर पार्क करने के बाद मैं सूरज पवन होप और भोटू निकल पड़े सूरज के घर की तरफ, और मौसम सही बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा सुहावना था क्योंकि बादल लगे हुए थे, मज़ा आ रहा था। ये है हमारे पहाड़ के मकान, और सूरज यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश है सही बताऊं तो, क्योंकि यहाँ पे सूरज के दोस्त हैं सब लोग हैं। ये देखो घर देख रहे हो, ये पहुँच गए, अच्छा ये तुम्हारा घर, तो हम सूरज के घर पहुंच ही गए फिर फाइनली, मतलब वहां से आते आते बारिश धूप ये करते करते देखते देखते ये सूरज का घर, तो चलते हैं सूरज के घर। तो ये पहुंच गए हम सूरज के घर, ये सूरज का घर भाई, देखो बोर्ड सूरज देखना, सूरज पकड़ इसे, पकड़ 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 पकड़, ओए हटो यहाँ से, भोटू लोग यहाँ बकरियों को काटने में लग गए, सॉरी माफ कर दीजिए, चलो इधर आओ, चलो चलो ओए इधर, अरे कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता है भोटू, ओए इधर आओ भोटू, इधर आओ, भोटू ने सबको परेशान कर दिया, भोटू इधर आओ, ये कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है भोटू, इधर भोटू ने आते आते सबको डरा दिया है, भोटू मत डरा सबको, इसको सब लगे इंजेक्शन, किसी को काटेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे आपको प्रणाम नहीं बोला मैंने, प्रणाम, आप सूरज की मम्मी हुए, ठीक है। अच्छा तो सूरज आप पे गया है वैसे, सूरज आप पे गया है चेहरे पे। अच्छा तो अभी सीन क्या है, होप और फोटो को हम लेके जा रहे हैं, हमारा जो रूम है वो उधर की तरफ है, क्या नाम है आपका, हरीश, हरीश भाई, आओ हरीश भाई आप भी आओ यार, चलो फिर। हाँ ये देखो, तो ये वाला रूम हमारा है, ये हमारा है रूम, और इसमें लाइट है नहीं, पर हम लाइट का कनेक्शन बगल से ले लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और होप और फोटो को हम थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं, होप और फोटो आप लोग यहीं पे रहो, अंदर रहो अंदर रहो, अब आप लोग सो जाओ थोड़ी देर, सो जाओ सो जाओ बच्चा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब तक ये दोनों रेस्ट करें, मैं और सूरज पी के आते हैं वहाँ पे चाय, आमा ने हमसे कब से कह रखा था चाय पी लो चाय पी लो। ये देखो होप और फोटो को देखो, ये खर कह रहे हैं भाई तुम लोग फाड़ना होता है इधर कुछ, भाई डांट पड़ेगी तुम लोगों को, देख लेना अपने हिसाब से, वो देखो 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 कैसे चढ़ गए हैं भाई ये लोग, ये अबे ये देख तो तलाशी ले रहे हैं भाई, ये रूम की क्या चल रहा है बब्बू, फोटू तो अभी छोटे बच्चों को भौंक रहा था भाई, क्या है डरा रहे हो तुम लोग छोटे बच्चों को, वो देखो 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 क्या 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 क्या,
छोटे बच्चों को डरा रहे हो बाप। क्या हुआ? वो देखो बाहर जो छोटे बच्चे खड़े हैं उनको डर रहे हैं बच्चे बोल के। कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, शर्माते हैं सब, है ना। चलो चलते हैं चाय पीने। फाइनली हम लोगों ने अपना सामान जो था जितना भी था वो अपने रूम में रखा। होप लोगों को थोड़ी देर आराम करने दिया, क्योंकि सही बताऊं तो वो लोग भी इतना लंबा सफ़र करके पहली बार थक चुके थे। और हमने चाय वगैरह पी, और सही बताऊं तो उसके बाद जो गांव का माहौल था उसको हमने फील किया, उसको मैंने देखा, सही बताऊं तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी एक थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है तो आप लोग वो देखिए, ताकि आप लोग को फील हो सके कि वहाँ की वाइब जो वहाँ का फील है वो किस तरीके का होगा। तो आप लोग ये देखिए। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, आप खाना खा लेते हैं। और खाने में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास है घर की मूली, उसके अलावा चावल, और ये जो दाल है मसूर की दाल। सुबह सुबह कॉल करके बोल दी गई थी आंटी ने, बता दिया था कि मसूर की दाल बनाएंगे। और आज है हमारे पास जो गाँव में घर का बना हुआ घी है। उसके अलावा ये मेरे ख्याल से सब्जी लौकी, लौकी पता नहीं है, आलू और मूली है, आलू और गोभी, आलू और गोभी और लौकी, पता नहीं वैसे कुछ लग रहा है। और हमारे पास पानी है, वो वैसा हमारा अभी ये रूम वाला पानी है जो हम पी रहे हैं। कौन सा फिल्टर वाला? ये फिल्टर वाला पानी है। और हमारे पास जो यहाँ का पानी है वो इस जग में रखा हुआ है। और होप और वोटू होप हमें इसलिए देख रही ना क्योंकि हमारे पास है घी, और होप को मन हो रहा कि ये मेरे को घी क्यों नहीं दे रहे, और होप बेटर हो चुका है। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। हमने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दें, क्योंकि अगर यहाँ पे आए हैं तो हमारे साथ क्या क्या सीन चल रहा है वो आपको दिखाना थोड़ा इम्पोर्टेंट था। तो उम्मीद है जो ये व्लॉग था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कमेंट करना आप लोग को जो भी जैसा भी लगता है कि यार अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो या आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स। एंड दिस द थिंग, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जो अगला व्लॉग है वो होगा जब मैं गाँव में था, तब उस दिन जो हमने सनसेट देखा था जो सूरज के दोस्त लोग थे उनके साथ, उसके बारे में। तो बने रहिए, थैंक यू सो मच, बाय।